नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको एनोड किरणें, धन किरणें यानी प्रोटॉन के खोज के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग मित्रों न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानेंगे। दरअसल हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय परमाणु की संरचना के बारे में जान पा रहे थे। तो मित्रों, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, कैसे हुई, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। रदरफोर्ड ने बताया कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन द्रव्यमानों के योग से कुछ अधिक होता है। मित्रों देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड ने जब परमाणु के बारे में थोड़ा अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से थोड़ा अधिक होता है। इसका मतलब यह अनुमान लगाया गया, अगर मित्रों जो परमाणु का द्रव्यमान है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से थोड़ा अधिक है तो इसका मतलब है कि परमाणु में न्यूट्रॉन भी उपस्थित है। अब देखिए क्या इन्होंने बातें बताई। इन्होंने कहा, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के अतिरिक्त कुछ तीसरे प्रकार के कण भी होते हैं जिनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। मित्रों देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया था। कैसे इन्होंने अनुमान लगाया, इन्होंने देखा कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से थोड़ा अधिक है। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने सबसे पहले ही अनुमान लगा लिया। अब देखिए मित्रों, रदरफोर्ड के इस सुझाव की पुष्टि के बाद, यानी कि रदरफोर्ड के इस सुझाव की जो पुष्टि है जेम्स चैडविक ने की, यानी रदरफोर्ड ने, देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, शुरुआत किया कि भाई जो परमाणु का द्रव्यमान है वो थोड़ा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अधिक है। अब मित्रों अब यहीं पर आ जाते हैं चैडविक, जेम्स चैडविक, ये कहते हैं यार ये तो बात सही है कि भाई अगर परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कुछ अधिक है तो इसका मतलब है परमाणु में कोई तीसरा कण जरूर उपस्थित है। तो इसके बारे में मित्रों किसने बताया, जेम्स चैडविक ने। देखिए जेम्स चैडविक आगे क्या करते हैं, जेम्स चैडविक ने छोटे तत्वों को लिया, यानी छोटे परमाणुओं को लिया जैसे लिथियम बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कण की बौछार की जिससे उन्हें कुछ उदासीन कण प्राप्त हुए। इन्हीं उदासीन कणों को मित्रों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस न्यूट्रॉन को दरअसल नॉट यन वन से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, परमाणु भार 9 होता है, ये हल्के तत्व हैं। इसी प्रकार के हल्के तत्वों पर मित्रों चैडविक ने क्या किया, अल्फा कण की बौछार कराई। जब अल्फा कण की मित्रों बौछार कराई तो जो बेरिलियम का परमाणु है यह कार्बन के परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट लिखता है, न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक होते हैं। दरअसल मित्रों जो न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होते हैं। वास्तव में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। मित्रों देखिए, जो न्यूट्रॉन है, दरअसल वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया, जो न्यूट्रॉन होता है वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, क्योंकि जब आप न्यूट्रॉन को विघटित करेंगे ना तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएंगे। चलिए अब आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को विघटित किया गया तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी बाहर निकलती है, राइट। अब मित्रों देखिए, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एक अस्थाई कण होता है, अस्थाई नहीं अस्थाई, ये हमेशा उपस्थित होता है नाभिक में, जल्दी ये बाहर नहीं भागता। परंतु नाभिक के बाहर अर्थात स्वतंत्र अवस्था में इनका जीवन केवल 17 मिनट के लिए होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ये बात मित्रों जरा आप ध्यान समझिएगा, नाभिक में जो न्यूट्रॉन उपस्थित होता है ना ये अस्थाई होता है, और जब ये बाहर निकलता है स्वतंत्र होता है तो इसका जो जीवन काल है मित्रों 17 मिनट तक रहता है। अब देखिए मित्रों, कुछ कण हैं जिनके हम लोग खोज के बारे में जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने किया था। अब यहाँ पर आवेश देखिए कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम होगा, यहाँ पर 13 लिखा गया है, थोड़ा आप बना लीजिएगा। ये होता है मित्रों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में 0.0054। प्रोटॉन की खोज मित्रों रदरफोर्ड ने किया था, प्रोटॉन पर धनावेश कूलम में कितना होता है,
वन प्लस का 1.602 गुणित 10^-19। देखिए यही इलेक्ट्रॉन पर भी है, यही प्रोटॉन पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो माइनस में हो जाएगा, प्रोटॉन की बात आएगी धन में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मित्रों किलोग्राम में द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणित 10^-27। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में इतना होता है। न्यूट्रॉन को चैडविक ने किया, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान कुछ न कुछ है, 1.675 गुणित 10^-27 किलोग्राम। एएमयू में देखिए 1.00868, राइट। चलिए मित्रों इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।